कला जागलन हेल्पर वर्कर यूनियन की प्रधान, कार्यकारी प्रधान भी हूँ मैं और ब्लॉक प्रधान भी। हमारा धरना ये है कल हम CDPO मैडम से मिले थे भी, उनसे हमारी बात हुई भी हमारी सैलरी होगी 8 महीने की और 14 महीने का किराया पड़ा सेंटरों का बकाया, तो भी हमारी सैलरी डलवाई जाए। और जो हमारे आंगनबाड़ी सेंटर किराए पर चल रहे हैं, लड़कियों को बहुत दिक्कत आ रही है और सेंटरों को खाली करवाने पे तुले हैं। क्यों 14 महीने का हमारा बकाया पड़ा है, अगर हम सेंटरों का किराया नहीं देंगे तो हमारे से खाली करवाएंगे। तो बार बार कहने से हमने कल ये कहा था मैडम हम ज्ञापन देंगे आपको 10 बजे हमें ऑफिस में मिला, लेकिन मैडम अब तक ऑफिस में नहीं आई है और ना हमारा फ़ोन उठा रही है। पहले भी हमने जनवरी में PO मैडम को ज्ञापन दे के आए थे, 10 दिन का टाइम दिया था, मैडम ने आश्वासन दिया था भी 10 फरवरी तक आपका क्लियर करवा देंगे। उनका कोई भी जवाब नहीं आया हमारे पास, ना अब तक मार्च लग गया है, कोई सैलरी, कोई किराया, कोई फ्लेक्सी फंड, कोई रजिस्टर, कोई कुछ नहीं आया हमारे पास। आगे का ये है भी हम मैडम के हम वेट कर रहे हैं, अभी मैडम हमारे को क्या आश्वासन देती है, अगर हमारे को हफ्ता 5 दिन का टाइम देती तो ठीक है, नहीं तो हम तो यहीं बैठेंगे, हम यहीं हाजिरी लगाएंगे ऑफिस में। मुख्य मांग हमारी ये है अभी हमारा जो मानदेय मिलता है हमारा वो टाइम पर डाला जाए 5 या 6 तारीख को, और जो हमारा सेंटरों का किराया हर महीने हमारा सेंटरों का किराया दिया जाए, और जो हमारी सप्लाई आती है वो हमारी सेंटरों में उतारी जाए, ना कि एक जगह उतार देते हैं वहाँ ऑटो लेके हम 100-100 रुपया भर के पल्ले से और वो दिया जाए हमारा।